हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती क्वीन का जादू अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, राखी का सीजन आ रहा है, राखी का त्यौहार आ रहा है। बहनें अपने भाइयों के हाथ पे, अपने भाइयों की कलाई पे जो है राखी बांधती हैं, तो ऑफकोर्स हमारे घर में जब 15 दिन पहले तैयारियों ने शुरू हो जाती है। हालांकि मेरे सगे भाई तो नहीं है, मेरे सगे भाई कान्हा जी है। हमेशा से बचपन से तो से थे ना हम, जब तब से ही कान्हा जी को राखी बांधते आ रहे थे, तो उनके लिए तो 2 दिन पहले जाएंगे लाने के लिए। लेकिन अभी जो कोरियर करना है उसके लिए अभी जाएंगे। और पानीपत हरियाणा के अंदर जो गोल्ड की राखियों की सेल लगी हुई है गाइस, गोल्ड की, सोने की, सही सुन रहे हो आप, तो अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे हो तो ये गोल्ड की राखियां मंगवा सकते हो। तो अभी मैंने भी सुना है सिर्फ, और मेरे को भी बताया गया, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने बताया है कि पूजा बहुत ही अच्छी अच्छी राखियां गोल्ड की जो है सेल लगी हुई है। तो मैं अभी चलने वाली हूँ, और अगर मुझे भी गोल्ड की राखियां मिल जाती हैं तो मैं भी लेकर आऊंगी और अपने भाइयों के लिए मैं भेजूंगी कुरियर करके। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी, शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। और भी कुछ पसंद आएगा क्योंकि मम्मी ने एक दो लिस्ट और पकड़ाई है, तो मैं मार्केट जाती हूँ तो हमेशा मम्मी कोई ना कोई लिस्ट जरूर मुझे मेरे हाथ में रख देती है। तो अभी चलने वाले हैं, और क्या क्या चीज लेंगे वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और खासतौर पर गोल्ड की राखियां, जो कि अगर आप भी अपने भाई के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है जैसा कि बताया गया है। तो अभी चल के खुद मैं देखने वाली हूँ, फिर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लो या ना लो, और कितने की राखी, क्या है रेट वेट, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, हमारे पानीपत हरियाणा के अंदर जो है सेल लगी हुई है, वहां पर मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ। सो गाइज, मैं फाइनली पहुंच गई हूँ शॉप पर। रात के बज रहे हैं 9:15, और मैं आ गई हूँ राखी लेने के लिए। रंग बिरंगी राखियाँ दिख रही हैं और अंकल दिखा रहे हैं एक से बढ़कर एक राखियाँ, जैसे कि मेरे नेबर ने बताया था। मेरे पड़ोसी जो है ना, वो लेकर आए थे, उन्हें भी कहीं कुरियर करना था, तो वो टाइम से पहले ही ले आए थे। तो उन्होंने भी मेरे को बताया, पूजा बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ आई हुई हैं जो कि गोल्ड जैसी दिखती हैं, और कुछ तो गोल्ड की भी हैं जो कई कई महीनों तक ख़राब नहीं होती हैं। तो अभी देखते हैं जो कि गोल्ड के बता रहे थे। तो गाइस, और भी राखियाँ देख रही हूँ मैं, और देखते हैं कौन सा पसंद आता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, ये डमरू वाला देखा था, कान्हा जी वाला देखा था, ये धागे भी देख रहे हैं, लाइट वेट भी है राखियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ जो अंकल दिखा रहे हैं। ये जो गोल्ड वाली बता रहे थे ना, वो ये है गोल्ड वाली, एडी भी है ये, तो एडी बोल रहे हैं जो हमारे नेबर बता रहे थे ना, गोल्ड की ब्रदर लिखा हुआ इस पर, और गोल्ड जैसा लग रहा है। सो गाइस, देखा आपने, ये ना गोल्ड वाली ही दिख रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट, और पैकिंग भी बहुत अच्छी थी जो मैंने आपको पहले दिखाई है एडी की। तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल रही है, लेकिन वही है थोड़ी गोल्ड की, थोड़ी कॉस्टली है। तो पिछली बार 350 की जो है मैंने राखियाँ ली थी, और स्पेशल फ़ोटो वाली बनवाई थी अपने भाइयों के लिए और भेजा था, बट एक ना निकल गया था फ़ोटो कोरियर जब हमने किया था, तो फिर वो मज़े वाली बात नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि ये राखियाँ ही ले लेते हैं, सिंपल वाली, सिंपल और सुंदर, जिसमें कान्हा जी भी छपे हुए हैं। सो गाइस, ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बताना कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। और इनमें से एक लेने वाली हूँ मैं, एक नहीं कई सारी लेंगी, अभी पसंद कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे पसंद आता जाएगा अलग अलग रखती जाऊंगी। तो मोस्टली मुझे पसंद आ गए हैं, और ये राखियाँ जो हैं, तो गाइस ये सारी राखियाँ फाइनल हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाली 6। सो गाइस, ये है इंसार बाजार, इंसार बाजार चौक है ये प्रॉपर, और इस चौक से इधर लाल बत्ती की तरफ रास्ता जाता है, ये देव मंदिर की तरफ रास्ता जाता है, जो पंजाबी जूतियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पे आप पहुँचोगे ना डायरेक्ट, इस चौक पे बिल्कुल सामने मंदिर है, ये मंदिर आप सब जानते ही होंगे, बिल्कुल चौराहे पे, और चौराहे पे आते ही ये शॉप है सिद्धि, यहाँ पे ये वाली शॉप है, लवली बैंगल्स के नाम से शॉप है, बहुत ही मशहूर है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। सामान ले आए और मम्मी को दिखा, मम्मी ये देखो, सुंदर सुंदर सी राखी, इसमें कान्हा जी है, कृष्ण दिखा हुआ है, इसमें ये मोर है, ये ओम लिखा हुआ है, इसमें कान्हा जी हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इसमें भी कान्हा जी हैं, अलग बांसुरी, इसमें अलग कान्हा जी, इसमें अलग है, मतलब ये अमन के लिए रुद्राक्ष वाला डमरू लगा हुआ, रुद्राक्ष चश्मा लाऊं? नहीं, ये 2 धागे 3 धागे लिए हैं सिंपल से, कान्हा जी के लिए, एक दो वहां भेजने के लिए। तो गाइस, ये धागे भी लिए थे 3, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, 10-10 रुपए के धागे दिए हैं, अब राखी के आसपास ना वो कम हो जाएंगे, 5-5 रुपए के देंगे वो,
कैसा लगे आपको? बहुत अच्छा। पक्का? चलो भाई, मम्मी को तो आगे पसंद है। सस्ते लाइयो, देखो देख लो ना क्या होगा फिर। ये देखो 40 रुपए का, ये 50 का है, ये 40 का है, ये वाला 40 का है, ये भी 40 का। पिछली बार हेड है 300 के रखा है। हाँ 50 का है, खाली मोड़ है इसमें। हाँ ये मोड़ वाला है, इसमें ओम है, 40 रुपए का है। अमन का आया तो उसको उतना महंगा क्या जरूरत है? इसको डमरू वाला इसको पसंद आया तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें का भाई के लिए चाहिए डमरू त्रिशूल और वो रुद्राक्ष भी है इसके अंदर। सबसे पहले लूंगा भैया मैं अपनी भैया को नाम। सही बात है, सबसे पहले लूंगा अपनी बहनी का नाम। चलो डमरू त्रिशूल ठीक है मम्मी।